किसान भीरों कुछ माया की सेवा आई है सरपंच कोटली गुजरां तो 3100 रुपए की सेवा दविंदर सिंह जी रंधावा कनेडा वाले वालों 5000 की सेवा सुखविंदर सिंह जी चीमा पिंड मंगलां जिला रोपड़ वालों 5000 सरदार जसपाल सिंह पाला राणा अते बब्बी यूएसए समूह नगर निवासी लुधियाणा चिक्का जिला शहीद भगत सिंह नगर उन्हां वालों 10000 रुपए की सरदार गुरबचन सिंह जी आस्ट्रेलिया वह भी लुधियाणा चिक्का तो उन्हां वालों 1,00,000 रुपए की सेवा हरजिंदर सिंह जी गरचा पिंड गरचा तो 2100 रुपए की सेवा तो राजा सिंह पट्टी वालों तो 5000 की सेवा तो रणजीत सिंह राणा पिंड हयाला जिला नवांशहर तो 1000 की सेवा सारिआं नूं बेनती है कि मंच के पिछले पासे जिथे माया वाला लैण दा डिस्क लग्या माया कृपा करके जिहड़े पैसे उत्थे ही दित्ते जाण ते अपना नाम नंबर वगैरह लिखा दिता जाए। हुण बेनती करांगे आल पंजाब आंगनवाड़ी यूनियन मुलाजम यूनियन उन्हां वालों साडे भैण सुखविंदर कौर जी आए सवेर दे सब तो पहलां आए आ वह मंच ते आउणगे उन्हां तों बाद सरदार अमरीक सिंह जी कलेर पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक वह भी तैयार रहन उन्हां तों बाद जसकरन सिंह जी छीना प्रधान लोक कवि संत राम उदासी विचार मंच लुधियाणा उन्हां दा समां होएगा। डॉक्टर बीरा हेदी स्टेट वाइस प्रधान एम पी ए पी जिला रोपड़ वह भी तैयार रहन जी। आओ जी भैण सुखविंदर कौर जी मेरे बहुत ही सतिकारयोग वीर भैणा ते सारी साध संगत जीओ सब तो पहला आपां फतेह दी सांझ पाईए श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत ही बुलारियां ने अपने नाल जिहड़ी चीज़ सांझी कीती है मैं भी उही चीज़ सांझी करनी चाहुंदी हाँ। मैं कोशिश करांगी कि मैं अपनी गल नूं 2 मिंटां दे विच ही खत्म कर देवां। सब तो पहला तो असी बहुत बुलारे ने बोलिया कि जो सुनिया सी पंजाबियों बारे असी कल शाम तो जदों तू इत्थे पहुंचियां हाँ सारी जथेबंदी सानू पहली बारी एहसास होया है कि एक पंजाबी भैण ते भाई का प्यार की हुंदा है। एक हुंदे हन दुख दे अथरू एक हुंदे हन खुशी दे हंजू। रात जदों साडे वीरां ने साडी भैणा समझ के साडी केयर कीती ते मेरा दिल करदा ही खुशी नाल ही रो पवां। इन्नी खुशी होई कि मेरे वीर आ ने साडे आ पंजाबी वीर ने साडा सीना गिट गिट चौड़ा हो गया कि असीं इन्हां दीआं भैणां हाँ। सानू बहुत माण है अपने वीरां ते पंजाब विच वी जद जद किसान धरने लगे असीं हर जगह अपने वीरां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ियां अते लड़ियां हाँ ते अगे भी जिथे लोड़ होवेगी अहीं खड़ांगे ते लड़ांगे। बाकी जद भी कोई भैण अपने भाई नूं किसे रण विच भेजदी है किसे मोर्चे ते भेजदी है ते उस दे दिल विच इक फिकर हुंदी है। साडे दिल विच बहुत फिकर है अपने वीरां बारे असी अपने वीरां नूं इत्थे उहनां दे पिछे भैणां इक कच्चा धागा बनदियां ने अपने वीरां दे गुट ते पर असी अपने वचनां दा पक्का धागा बनण आईआं हाँ। असी अपने वीरां नूं इह पक्की करके जांदे हाँ इह वचन दे के जांदे हाँ वीर साडा वचन पगाउण कि हमेशा इत्थे जिवें पहलां बुलारियां ने बोलिया है कोई भी भड़काऊ काम आपां नहीं करना डिसिपलिन दे विच रहना है। आपां इस चीज़ का सबूत देना है क्योंकि जद भी कदी साडे पंजाबी वीरां नूं नशेड़ी कहा जाता है तो साडा दिल इत्थों दुखदा है बहुत चीस उठती है दिल ते जद कोई पंजाबी वीर नूं नशेड़ी कहिंदा है। मैं इत्थों अपने वीरां तों वचन लैणा चाहुंदी हाँ कि मेरे वीर इस रण विच जूझण आए हन असीं भी किसान धीआं भैणां ते मावां हाँ असीं भी तुहाडे नाल असीं माई भागो दीआं वारसां होण करके असीं नाल ही जूझांगे जिथे भी जूझना पिया हर जगह ते जूझांगे। पर मैं कहिंदी हाँ मेरी वीरां अगे बेनती है कि किरपा करके डिसिपलिन नूं बनाई रखियो। राती बहुत दिल ते दर्द होया जद मैं अपने ट्रैक्टरां दे उत्ते सरदारी करदे वीरां नूं ट्रालियां दे थल्ले बारिश दे विच सुत्तियां वेख्या एक भैण होण दे नाते मैनूं चीस उठदी रही सारी रात।
एक भैन होने के नाते बहुत दर्द होया मेरे दिल से, पर मेरे वीर योधे ते बहादुर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यह रस्ता सानू शहादत दे के विखाया सी, असी शहादत तक जावांगे। पर नाल ही सानू साडे गुरु साहबाना ने मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहनाईयां सी। असी डिसिपलिन विच रहिंदे होए, अनुशासन विच रहिंदे होए अपनी मंग नू रखिया है, अगे भी रखांगे। मैं अपने वीरां नू यही बेनती करदी हाँ कि जिन्ना चिर भी साडे इत्थों जड़े मुखी साहबान ने, लीडर साहबान ने, अपने वीर उन्हां दा हर एक तरह का जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो कहिंदे ने, उन्हां दा साथ दिओ ते पूरन भरोसा रखो उन्हां ते। पूरन भरोसे की लोड़ है। आप बचपन तो लैके एक छोटी जिही कहानी सुनते होंगे सी कि एक बापू जदों उसने अकाल चलाना करना सी, उसके दिन उन्हें दिसदा सी कि मेरी सेहत खराब हो रही है, तो उसने अपने पुत्रां नू समझाउण लई, अपने पुत्रां नू कठिया करन लई, उन्हां नू सिक्ख्या देण लई छोटे छोटे डंडे ते तीले तोड़न लई कहा ही, ते हर पुत्र ने कल्ला कल्ला तीला तोड़ के विखा दिता सी। पर जद उन्हां तीलियां ते लकड़ियां दा मुठ्ठा बन्निया गया ते कोई भी नहीं सी तोड़ सकिया। मैं इस मंच तो कहना चाहुंदी हाँ कि मेरे वीर एकता बना के रखण, अनुशासन बना के रखण, कोई भी एहो जी चीज़ का सबूत नहीं देना कि अपने ते उंगली उठे, ते अपने इरादे मजबूत ते दिल जान नाल असी इत्थे अपनी जड़ा ये मोर्चा है इस ते यही पहरा देना है। जिन्नी देर असी पली भांत सारे जानते हाँ कि अनुशासन दे विच रह के बेनती कर रहे हाँ, अनुशासन विच रहे हाँ, पर जे सरकारां जिस तरह सरकार ने पहला साडे कोलों एजुकेशन खो के, सेहत खो के, हुण करोना दी आड़ लैके साडी पिठ विच खंजर खोपिया है, ये बर्दाश्त नहीं हुंदा। समा बहुत घट है, मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहुंदी हाँ, समय की किल्लत है। साडी जदों कोई पिठ विच छुरा खोपदा है तां बहुत दर्द हुंदा है, बहुत दर्द हुंदा है, दिल करदा है कोठे चढ़ के रोईए ते हाहाकार मचा दीए। पर ये अजे साडा यही है कि असी अनुशासन विच रहांगे। मैं वीरां नू भी बेनती करदी हाँ कि अगे भी अनुशासन विच रहण, हुण तक भी अनुशासन विच रहे हाँ। ते मेरे वीर मैं चाहुंदी हाँ कि इत्थों मैनू वचन देण कि कोई भी वीर जिहड़ा वा कदे भी मेरे वीरां नू नशेड़ी ना आख्या जावे। इत्थे आके मेरे पंजाबियां ने सबूत दे दिता है कि कौन कहिंदा है कि मेरे वीर नशेड़ी हन। मेरे वीर बहुत बहादुर ते योधे हन। असी योधियां दीआं भैणां हाँ। मैनू माण है अपने वीरां ते, बहुत ज़्यादा माण होया जब वीरां ने साडी रात इन्नी केयर की, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि असी किन्नियां वड्डे भाग हन कि असी इन्हां वीरां दीआं भैणां हाँ। इन्ना कहिंदी होई मैं एक दो नारे लाउंदी हाँ, नारे का जवाब गज के नारे विच देना। इन्ना कहिंदी होई इको एक ठीकरा, आवाज नहीं आई, इको एक ठीकरा, इको एक ठीकरा, जैक सांडर। बहुत बहुत धन्यवाद भैन सुखविंदर कौर जी का, धन्यवाद है पंजाब टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पंजाब, उन्होंने सकत्र सतवीर सिंह जी सोडी, 17 जिला प्रधानों के नाल पहुँचे आ बड़े काफले लैके, उन्हों का धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट है जी, राम सिंह सन ऑफ करदयाल सिंह पिंड बिरदनों जिला पटियाला तहसील नाभा, ये बजुर्ग कल का गुम हो गया, जे किसी नूं मिले वो मंच ते सूचित करे। एक लक्कड़ मंडी फलौर वालों 300 गद्दियां की सेवा, उन्हों का धन्यवाद। एक सब तो वध धन्यवाद करांगे मीडिया के समुचे वो सारे वीरां दा, सारियां भैणां दा जिहड़े इन्नी ठंड के बावजूद दिन रात इस अंदोलन नूं कवरेज करके दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहे ने, सारे मीडिया का धन्यवाद। सिख चैनल यूके वालों अज का यह प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट किया जा रहा, होर भी मीडिया के बहुत सारे चैनलों तो इस किसान अंदोलन का सीधा प्रसारण किया जा रहा। उन्होंने नाँ अजे मेरे को नहीं पहुँचे जिहड़े जिहड़े वीर लाइव टैलीकास्ट कर रहे, उन्होंने सारिया का धन्यवाद। कुलजीत सिंह जी भाइया उन्हां वालों पानी दी 150 पेटियां की सेवा आ, सोफी पिंड जलंधर तो आए हैं, तो 30,000 रुपए की सेवा लैके आए, उन्हां दा धन्यवाद। सुखदेव सिंह जी अलाचौर जिला नवांशहर, इन्हां वालों 1100 रुपए की सेवा। जसकरण सिंह जी पिंड चक चेला जलंधर, इन्हां वालों 1000 रुपए की सेवा।
रियात दी संगत वालों 5100 रुपए ते 101 कंबलों की सेवा इन्हों का धन्यवाद। एक भारत प्लाजा के सामने स्टेज के सज्जे पासे फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है, जिस भी किसी ने शूगर का टेस्ट करवाना उतों करवा सकता। हुण बेनती करांगे सरदार अमरीक सिंह जी कलेर पंजाब स्टेट क्वाटर बैंक कोऑपरेटिव बैंक इंपलाइज यूनियन वालों वह मंच ते हुण 2 मिनट की हाजिरी लाउणगे। इन्हां तों बाद डॉक्टर बीदा बेदी हीरा वह भी तैयार रहन जी। उन्हां तों बाद सरदार जसकरण सिंह जी छीना प्रधान लोक कवि संत राम अदासी विचार मंच वह भी मंच के नेड़े रहन। आओ सरदार अमरीक सिंह जी। दिल्ली दियां बरूहां ते किसानी संघर्ष की दस्तखत देने लई पुजे साडे किसान वीरो बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो असी किसान सारिया किसान जथेबंदियां नूं अपनी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंपलाइज फैडरेशन वालों वधाई दिंदे आ कि इन्ना शांतमई संघर्ष इन्ने तालमेल नाल जिहड़ा संघर्ष नूं इत्थे तक लैके आए ने, और यही बहुत वड्डी कामयाबी है। और सब तो वड्डी कामयाबी कि अज जो साडे विच भाईचारा पैदा किया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के विच साडे दूजिया स्टेटा नाल साडा भाईचारा किया, इस गल लई जथेबंदियां भी वधाई दियां पात्र ने। असी अपनी जथेबंदी वालों भावें इंडिविजुअल तौर पर सारे ही आते रहे, पर अज समुचे पंजाब की जिनी भी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंपलाइज फैडरेशन है वो सारे जिला प्रधान सारिया जिलों तो असी सारे इंपलाई अज इत्थे काफला लेके पुजे हाँ, और असी इस संघर्ष विच दस्तखत दिती है, असी अपनी हाजिरी लवाई है। इस करके कि कल नूं जे किसान साडियां कोऑपरेटिव बैंकों के थम ने, जे साडे थम नहीं रहणगे तो साडियां बैंकां भी किवें रहणगियां। एक सब कुछ मोदी सरकार ने सब कुछ अडानिया अंबानिया नूं वेच दिता, साडियां बैंकां भी चले जाणगियां उन्हां कोले, जे साडे किसान उन्हां कोले जमीनां नहीं रहियां तां बैंकां किवें चलणगियां। सो साडी इह नैतिक जिम्मेवारी बनदी है, साडी जमीर ने सानूं हलूणा दिता, असीं इस संघर्ष दे विच पूरा योगदान पावांगे। 8 तरीक नूं भी समुचियां पंजाब दीआं साडीआं कोऑपरेटिव बैंकां असीं बंद रखियां। असीं गांह भी इत्थों इस मंच तों विश्वास दिंदे आ कि जदों भी सानूं किसान जथेबंदियां वल्लों पंजाब बनदा जां हिंदुस्तान बनदा सद्दा आवेगा, असीं पंजाब दे समुचे कोऑपरेटिव बैंक मुकम्मल तौर पर बंद रखांगे, और सारे बंदे सारे मुलाजम साडे इत्थे इस संघर्ष विच हाजरी देणगे। सो मैं एक बार फिर सारिया किसान जथेबंदियों इस गल लई वधाई दिंदा होया तुहाडा सारिआं दा शुक्र गुजार हां कि तुसीं इत्थे लगातार निरंतर जिहड़ी ओह कठ नूं बणाई रखण लई आपां योगदान पाउणा है सारिआं ने, आपां इहनां दे मोढे नाल मोढा ला के खड़ना है सारिआं ने, इह साडी जिम्मेवारी है। सो आओ एक दो नारे लाइए, इनकलाब इनकलाब साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद इनकलाब, किसान मजदूर मुलाजम एकता, किसान मजदूर मुलाजम एकता, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती है सतवीर सिंह जी सोढ़ी पंजाब टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पंजाब वह 1 मिनट की हाजिरी लाउणगे। उन्हां तों बाद सरदार जसकरण सिंह जी छीना प्रधान लोक कवि संत राम अदासी मंच वह भी स्टेज के उपर आ जाण जी। आओ जी। सब तो पहला तो मैं सारे देश के विचों इत्थे पहुँचे किसान वीरां दा बहुत धन्यवाद करदा कि वह अपनियां अपने जो हक ने उन्हां नूं मंगण लई इत्थे तक पहुँचे ने। सो बहुत बहुत उन्हां दा धन्यवाद ते उन्हां नाल फतेह सांझी करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े देश की त्रासदी रही है, 1947 तो पहला तो असी आजादी लई लड़दे रहे हैं, 1947 तो पहला असी आजादी लई लड़दे रहे हैं, उस तो बाद असी अपने हकां लई लड़दे रहे हैं, पर अजे तक सानू हक नहीं मिले। मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि साडा इह देश वर्ल्ड का सब तो वड्डा लोकतंत्रक देश अखवाउंदा है, कि इस तो वड्डा कोई लोकतंत्रक देश नहीं हैगा, डेमोक्रेसी कंट्री नहीं हैगा। पर त्रासदी साडी इह है जदों असी लोक किसी व्यक्ति नूं चुण के किसी अहुदे ते बिठा दिंदे आ, किसी मुकाम ते पहुँचा दिंदे आ, उदों ही वह तानाशाह बन जांदा है,
वह भुल जाता कि मैं लोगों लोगों द्वारा बने हैं, लोगों के काम करने बने हैं, वो लोग विरोधी फैसले कर लग पैंदा। बड़े दुख की गल है ये, अज उ कुछ साढ़े ना हो रहा। सो भरावो मैं मैनू बहुत खुशी हुई है, तुसी अपने मेन मकसद लई जो तुहाडा मेन मतलब हैगा मोटिव है उहदे लई तुसी पूरे सही तरीके नाल चल रहे हो। मैनू लगता कि आने वाला टाइम भी तुसी बिल्कुल सही तरीके नाल एक निशाना एक सेध रख के चलेंगे हो, तां कि इस संघर्ष नूं जां इस अंदोलन नूं कोई खंडा ना सके। इहदे लई डिसिपलिन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं समझदा वैसे तो सारे वर्गों ना बहुत ज़्यादा धक्केशाही हुई है, पर दो वर्गों ना बहुत ज़्यादा धक्केशाही हुई है, एक किसान दूजे ट्रांसपोर्टर। असी ट्रांसपोर्ट लैन ना संबंधित हैं, अपना ट्रांसपोर्ट का काम करके अपना गुजारा करते हैं, सानू भी सरकार ने लुटिया, जां दफ्तरां ने लुट लिया, जां पुलिस वालियां ने लुट लिया, जां सानू एजेंटा ने लुट लिया। कोई काम साडा सीधा नहीं हुंदा, कोई असी कागज तैयार करना कुछ भी करना एजेंटा राही हुंदा। पहला एजेंटा नूं पैसे दो, एजेंट फिर गांह जाके दफ्तर वालियां नूं पैसे दिंदे ने, लुट लुट खा के सानू पता नहीं वह किहड़ा सूरज चढ़ूगा कदों, मतलब कोई वधिया दिन आऊगा कि असी भी कोई असारू सोच रख सकीए कि असी अपने बच्चों सही ढंग ना पढ़ा सकीए, उन्हां दा जिहड़ा जीवन पद्धर उन्हूं उच्चा कर सकीए। सो भरावो तुहाडा बहुत वधिया अंदोलन चल रहा है, पूरा मतलब सिखरां ते है। असी मैं थोनू ये भी बधाई दिंदा, वैसे तो जिहड़ी ये जित है लड़ाई है असी लड़ चुके हैं, जित चुके हैं। असी तो इहनू शंभू बार्डर ते ही जित लिया सी, वह तो रोंडी पहलवान है जिहदी पिट्ठ ला दो दुबारा फिर खड़ा हो जाता, मेरी तो पिट्ठ लगी नहीं, उहदी दुबारा पिट्ठ लाउण लई असी इत्थे आ गए हैं, इत्थे तक पहुँच गए हैं उहदी दुबारा पिट्ठ लाउण लई। शंभू बार्डर तो लैके इस बार्डर तक आ गए हैं उहदी दुबारा पिट्ठ लाउण लई। वह रोंडी पहलवान है, मानता नहीं हैगा कि मैं हार गया, पता उहनू हैगा कि मैं हारिया होया, पर वह मानता नहीं हैगा। सो मैं इन्ने क विचारां दा प्रगटावा करदा हां, खिमा दा जाचकां साडे वीर जी एक मिनट का समा ये लैणगे। भुपिंदर सिंह जी आओ जी, सत श्री अकाल। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बुलाई हुई फतेह, आओ जकारा बुलंद करिए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चूका रजा हम हिलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बाज शमशीर दस्त। सो अज ये दिल्ली मंच नहीं है, वर्ल्ड का मंच बन गया है। मैं धन्यवाद करता हाँ जिन्हें भी साढ़े वीर साढ़े बजुर्ग साडिया मितावां भैन बच्चे इस संयुक्त किसान मोर्चे दे विच शिरकत कर रहे हैं, हाजरियां भर रहे हैं। साढ़े PTU पंजाब टैक्सी ओपरेटर यूनियन के बैनर हेठ सारिआं नूं जी आया आखदे हाँ। कोई लफ्ज नहीं साडे कोल, असी कीड़ी जबान दे नाल कीड़े अखरां दे नाल आप जी का धन्नवाद कर सकीए। मावां प्रति मैं दो लफ्ज बोलने कि उन्हां मावां दा जीना जिन्हां पुत परदेसी कल्ले, कद आवे मेरा पुत परदेसो, बैठिया रहिंदियां रावां वल्ले, हौकियां दे नाल दिन लंघ जांदे राती नींद ना आवे, मोई मां विच जिंद पै जांदी पुत जद गल वकड़ी पावे। ए मेरीओ मावो, अज साडा हाकम साडा जिहड़ा मोदी सरकार साडा PM जिन्हों असी अपनियां वोटां दे पेटों इस हाकम नूं तैयार करके उस दिल्ली दे तख्त दे उत्ते बिठाया, अज वीरो रोंद मांड है पिया जी, ये रोंदल निकलिया। सो असी तुहानूं विश्वास दिवाउने आ साडी मां जमीन किसे भी हक दे विच असी इन्हां नूं खदेड़ नहीं देवांगे। सो जिन्हें भी वीर इस मंच के उत्ते बोल के गए ने सारिया ने बढ़िया वधिया एक दू एक झड़ंदिया कौन जाने मेरा नाओ जीओ। सो थोड़ी एक लफ्ज कह के मैं खिमा दा जाचका
सो मोदी सरकार प्रति जिन्हें भी वीर ने भावनावां दे नाल जिन्हें भी शब्द इत्थे बड़े संकोच दे नाल साडे राजवाल साहब नहीं कह गए ने कोई भी गर्मजोशी दे विच वीरो दिल ते बड़ा करदा वा बड़िया सदरां बड़े ही चाओ बड़े बलबले साडे जिहड़े आ ओह जबानां दे उत्ते लड़खड़ा रहे ने। सो मैं फिर धन्नवाद करदा हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद साढ़े इस किसान अंदोलन दियां जिहड़ियां जथेबंदियां उन्हां विचों भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे प्रधान मनजीत सिंह जी राय वह मंच ते पहुंचे, उन्हां दा धन्नवाद। जमहूरी किसान सभा पंजाब तो साढ़े सत्कारयोग डॉक्टर सतनाम सिंह जी अजनाला वह भी पहुँच चुके ने, उन्हां दा धन्नवाद। बलविंदर सिंह जी राजू औलख प्रधान माझा संघर्ष कमेटी, उन्हां दा धन्नवाद। कुछ हरियाणे वाले वीर भी पहुंचे आ जथेबंदियों का, शायद मैं ना गलत ना बोल जावां वो स्लिप दे दें, जिन्हें आगू हरियाणा दियां जथेबंदियों के पहुंचे आ उन्हां सारियां दा धन्नवाद। सरदार जसवीर सिंह जी जटाणा वाइस प्रधान पंजाब नंबरदार यूनियन पूरे जथे समेत आए आ, इन्हां दा असीं सिर्फ धन्नवाद ही कर सकते कि मंच तो समा नहीं दे सकते। समुचियां जथेबंदियां जिहड़ियां इस अंदोलन च पहले दिन तो लंगरां दी सेवा दिन रात कर रही वो सारिया जथेबंदियां चाहे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, समुचिया महापुरशों के जिन्हिया कार सेवा दिया संपर्दावान सारिया के शायद ना ना ले सकीए, सारिया ही जथेबंदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खालसा एड यूनाइटेड सिक्स एक मलेरकोटले वाले साढ़े मुस्लिम भरावान ने दो तीन लंगर लाए हैं, उन्हों का धन्यवाद। स्थानक लोगों का जोड़ा व्डा सहयोग है उन्हों का धन्यवाद। हरियाणे वाली जड़े वीर ने उन्हों का बहुत व्डा सहयोग है। मेडिकल टीम जिन्हें भी मेडिकल कैंप दियां टीमां सहयोगी बैठिया उन्हां सारियां टीमों का धन्यवाद। एंबूलेंस दियां जिन्हां टीमां बैठिया ने सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूँगा सरदार जगसरन सिंह छीना प्रधान लोक कवि संत राम अदासी विचार मंच लुधियाणा वो मंच ते आउण, उन्हां तों बाद डॉक्टर बेदी हीरा जी वह भी तैयार रहन जी। पहला तो आप फतेह बुलाई जी सारे जने, वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। मैं कोने देश के दे कोने कोने तो आए हुए जुझारू वीर समर्पित एक गीत पेश करता हाँ, जो कि लोक कवि संत राम उदासी जी का लिखा हुआ गीत है। जट दे सिरी दा हाल जो कि बहुत ही अज के युग के अज के दिन जट की जड़ी आ तरसयोग जो स्थिति बनी पई हुई है, तो मैं उहदे संबंध में लोक कवि संत राम उदासी का एक गीत पेश करा। गाली लग के सीरी दे जट रोवे, गाली लग के सीरी दे जट रोवे, बोला विचों नीर वगिया लिया तंगली, लिया तंगली नसीबानू फरोलिए, तूड़ी विचों पुत जगिया लिया तंगली। ओ साडे पिड़ विच तेरे गल चीथड़े नी, साडे पिड़ विच साढ़े पिड़ विच तेरे गल चीथड़े नी, मेरिए जवान कणके कल शाहां दे गोदामां विचों निकले तू सोने दा पटोला बन के, मेरे नाल तू ही गमां दा गोमंत्री, मेरे नाल तू ही गमां दा गोमंत्री। ओ मेरे बेजबान टगिया गाली लग गए, ओ साडा कुटी कुटी खून तेल पी गया ते खाद खा गई हाडी खार के, बोले बीज दी थकावी बई अंदरों जो बोलनू कंगूरा मार के, सानू बिजली चंजोड़ा इना मारिया, सानू बिजली चंजोड़ा इना मारिया के, सदरानू लंबू लगिया लिया तंगली, लिया तंगली नसीबानू फरोलिए,
तूड़ी विचों पुत जगिया लिया तंगली ओ सुके जानना बोला दा मार मगरा बई सुके जानना बोला दा मार मगरा जो मार देने जांदे चंगरा अज चखड़ा ने खेतां च बखेरिया है तूड़ी नू बरूद वांगरा हुण कामियां दे हत्थां ने ही चोवना बई हुण कामियां दे हत्थां ने ही चोवना जो मेहनतां नू माखो लगिया लिया तंगली नसीबां नू फरोलिए तूड़ी विचों पुत जगिया लिया तंगली तीए केड़े नी पड़ोले विच डकला तीए केड़े नी पड़ोले विच डकला मैं तेरिया जवान सदरा वड़ी खानिया ससा दा रूप धारिया है साडिया समाजी कदरा तीए केड़े मैं नजूमिया नू पुछला तीए केड़े मैं नजूमिया नू पुछला क्यों चन्न नू सराप लगिया लिया तंगली नसीबां नू फरोलिए तूड़ी विचों पुत जगिया लिया तंगली। धन्नवाद सैकटरी साहब दा जिन्हां ने मैनू इत्थे कुछ गीत कहता टाइम दिता तो मैं एक गल होर करनी चाहुंदा हाँ कि जिहड़े आपां नूं खालिस्तानी दसदे आपां नूं कुछ भी दस देंदे आपां नूं अतवादी दस देंदे इह ते चौं पंजां बंदिआं दी टीम है मोदी होणां दी तुहानूं सारिआं नूं आपां जाणदे ही चंगी तरह भई इही सारा कुछ ने जो साडे देश दे लोकां नूं लुट्टी जांदे कुट्टी जांदे आ जी। धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद शीना साहब दा जिन्हां ने पंजाबी दे महान कवि संत राम उदासी की रचना नूं स्टेज तो पेश किया। एक महिंद्रा गड्डी है जी, वो खालसा एड दे नेड़े खड़ी है, PV10AG00980098 वो प्रबंधक वालों बेनती है कि उन्होंने साइड पर किया जाए। तनवीर सिंह जी बाहर सरी कनेडा वालों 10,000 रुपए की सेवा, पिंड हैबतपुर के नौजवान जिला फतेहगढ़ साहब तो 5100 रुपए की सेवा। नवजीत सिंह जी गिल पिंड रहौण खन्ना वालों 2000 की सेवा। परमिंदर सिंह जी घूमन पिंड रहौण खन्ना वालों 500 रुपए। दर्शन सिंह जी तूर माणेवाल माछीवाड़ा वालों 2000 रुपए। करनैल सिंह जी नंगल वालों 500 रुपए। पिंड कोजा जौला या कोजा लिखिया जलंधर वालों 10,000 रुपए की सेवा। गोपदान वीरा वालों 500 रुपए की। सुखजीवन पाल सिंह वालों 2100 रुपए। एक भैन वालों गुप्तदान है 1100 रुपए। पिंड जनेर ते बस्ती तारपुर वालों 5100 रुपए। पिंड लवानी कलां ते खुरद रोपड़ तो 11,000 रुपए की सेवा। रामपाल जीड़ बघाणा जिला कपूरथला वालों 5,000 रुपए की सेवा। बहुत सारिया संगतां वालों बार बार बहुत बड़ी सेवा इस किसान अंदोलन नूं भेंट की जा रही है। एक नौजवानों का जथा स्टेज के सज्जे पासे पहुंचा जेड़े इस अंदोलन का सही तस्वीर मीडिया के सामने पेश करनी चाहते हैं कि किसान सिर्फ किसानी मंगा लई दिल्ली पहुंचा, होर कोई साडा कोई एजेंडा नहीं। इस समुचे नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करूँगा कि कल साडियां लगभग समुचियां किसान जथेबंदियों के आगू मंच तो बोले सी, समुचियां किसान जथेबंदियों के आगू मंच तो संबोधन होए सी, पर सरदार मनजीत सिंह जी राय प्रधान भारतीय किसान यूनियन दुआबा वो पलवल बार्डर के उत्ते गए से जिते मध्य प्रदेश के आगू अपने उत्थे किसान आके बैठे आ, वो उधर जा गए होने करके मंच ते नहीं आ सके। उन्होंने बेनती है को 5 मिनट लिए आए हुए किसानों के नाल अपने विचार पेश करेंगे सरदार मनजीत सिंह जी राय, सॉरी उन्होंने तो पहला माफ़ी चाहागा डॉक्टर बेदी हीरा जी, उन्हां तो पहला बेनती है डॉक्टर बेदी हीरा जी वो मंच ते आउणगे क्योंकि बहुत देर दे इंतजार कर रहा है। उन्हां तो बाद मनजीत सिंह जी राय मंच ते आउणगे डॉक्टर बेदी हीरा जी। अज इस महान
ਬੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਹੀਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 295 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗੇ ਕਾਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਂਡੇ ਬੱਟੇ ਦਾ ਬੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੀਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 80-85% ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਜਨ ਸਲਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਟੱਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੋ ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਗਈ ਗੈਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਗਇਓ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ
भरावो इस कुत्ती सरकार क्योंकि जी साडिया जमीन होंदिया वो साडिया अणखा आ साडिया इज्जत असी मामा धीआं दे नालों भी वध उहनूं प्यार करदे आ। इस कुत्ती हाकम सरकार ने सत्ता दे नशे चंदी होकर साडी अज अणख नूं इज्जत नूं साडिया जमीनां नूं हत्थ पाया। तो संगतो अज इत्थों आपां तहिया करके जाणा कि जिन्ना चिर कुत्ती अडानिया अबानिया की सरकार है RSS की सरकार है इहनूं इस तरह बूद नहीं कर देंदे। उत्थे आपां समाज नूं इकट्ठा करके इहनां नूं मूँह तोड़ जवाब देना कि मां दा जाचकां वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हुण बेनती करूँगा अपने साथी स्टेज सकत्तर सरदार अवतार सिंह जी महिमा सूबा कमेटी जनरल सकत्तर वो मंच पर आ जाण। अगली मंच जिहड़ी मंच संचालन है उन्हां वल्लों कीता जाणा इंडोज TV आस्ट्रेलिया वल्लों अज का यह किसान अंदोलन का लाइव टैलीकास्ट हो रहा इंडोज TV आस्ट्रेलिया वालों अज के किसान अंदोलन का लाइव टैलीकास्ट हो रहा। उन्होंने MD सरदार रशपाल सिंह जी हेयर उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता। स्टेज की जी अगली कार्रवाई है वह मेरे साथी सकत्तर अवतार सिंह जी महिमा वह चलाउणगे। आओ जी बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों मातावां भैणां सब तो पहला फतेह गाइए वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो मैं बेनती करूँगा साथी मनजीत सिंह राय प्रधान भारतीय किसान दुआबा वो 5 मिनट लिए आप जी नूं संबोधन होणगे। साथी मनजीत राय जी सब तो पहले जिन्हें भी किसान वीर मेरिया भैणां मातावां बजुर्ग वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। किसान वीरो एक गल मन के चलीए एक जित आप हासिल कर चुके हैं इस फिरकू सरकार दे कोलों एक जित हासिल कर ली है वह कहड़ी है वह यह है कि कल साडे कोल इत्थे ब्राह्मण समाज तो भी सज्जन आए अपना योगदान पा के गए ने अज वह नारा सच कर विखाया तुसी किसानां ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई ये नारा तुसी सच कर विखाया और ये सरकार ते जित हासिल की है जेड़ी सानू फिरका प्रस्ती विच वंडना चाहुंदी। अज बड़ी चंगी गल है कि फिर भी ये सरकार जिहड़ियां हरकतां कोजियां करदी है ये दसदी है कि ये जिहड़े आए ने खालिस्तानी ने साडे कोल जिंदा शहीद बाबा हरिया वेलां वाले निहाल सिंह जी उन्होंने बड़ी अच्छी गल मीडिया ते कही कि नरेंद्र मोदी जी ये 9 मास का रिश्ता है हिंदू सिख का इनू पाड़ो ना साडा मकसद इदां दा कोई नहीं है। जेड़े बाणे नू देख के फोटोआं खिंच के पाउंदे ने जेड़े गोदी मीडिया वाले ने वो फोटो खिच पाते ने कि शायद गुरु किया फौजा दिल्ली आ गई हैं ये खालिस्तान की मंग नू आईया ने पर उन्होंने बड़ी चंगी गल स्टेज तो भी संबोधन करके आख्या और मीडिया ने भी संबोधन किया कि कोई मकसद होर नहीं केवल किसानी बिल्ला ते आए हैं तो ये बिल रद्द करवा के जाना है। मेरे वीरो जेड़ी फिरकू प्रस्ती ये सरकार दी हैगी है उन्हूं खत्म करन वास्ते अज साडे हिंदू वीर साडे नाल ने ईसाई वीर साडे नाल ने मुस्लिम भाईचारा साडे नाल है फिर मेरे वीरो तुहाडी इस ताकत नूं कोई तोड़ नहीं सकता। इस गल तो कितने घबराउण दी लोड़ नहीं जिहड़ा मीडिया विकिया होया है गोदी मीडिया मोदी दे कोल विकिया होया है इदां दीआं गल्लां पहुंचाउंदा है इदां दीआं गल्लां विखाउंदा ते साडे NRI वीर बाहरों घबराहट फोन करदे ने कि वेखियो इस अंदोलन नूं कोई होर रंग ना हो जाए। मैं दसना चाहुंदा कि साडे नाल जिन्ने साडे हिंदू भाई ने मुस्लिम वीर ने जां साडियां गुरु कियां फौजां ने उन्होंने प्रण किया कि जो ये 30-32 कते जथेबंदियां कहणगियां ओही गल मन्नांगे।
फिर इनू होर रंगत किमें आ जाएगी। नौजवानों इस गल का ध्यान रख्या करो, इस गल का ध्यान रख्या करो। जे किते कोई जिमें उत्तर बार्डर ते होया कोई पोस्टर लगाए गए ने, वेखो ठीक है कोई हकों की गल करनी चाहता है, पर इस वेले केवल किसानी हक की गल चल रही है, वो ते टारगेट कर